गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिल्डिंग गुड गाइज। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आपकी हमेशा रिक्वेस्ट आती है कि 1 मिनट साड़ी हॉल आपको देखनी है। तो आज मैं लेकर आई हूँ अमेजोन से 1 मिनट साड़ी हॉल। सो गाइज फर्स्ट थिंग की 1 मिनट साड़ी आपकी बहुत रिक्वेस्ट आती है। सेकेंड थिंग की 1 मिनट साड़ीज जो होती है वो बहुत कम मिलती है ऑनलाइन। लाइक अगर आप मिंत्रा देखोगे, अमेजोन देखोगे, फ्लिपकार्ट देखोगे तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं 1 मिनट साड़ीज की। तो जितने भी मिंत्रा पे कलेक्शन है 1 मिनट साड़ी की, मैं मोस्टली ढूंढ ढूंढ कर आपको दिखा चुकी हूँ अपने हॉल वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर आप देखें, उनमें बहुत अच्छे अच्छे 1 मिनट साड़ी आपको मिलेगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लाजो साड़ी, धोती साड़ीज, बहुत सारे यूनिक साड़ीज भी मैंने दिखाई है अपने हॉल में। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो इंडिया ब्रांड से है, 1 मिनट साड़ी हॉल। इंडिया ब्रांड में बहुत अच्छे अच्छे 1 मिनट साड़ीज अभी कलेक्शन में ऐड हो रहे हैं और कुछ पुराने कलेक्शन भी है। जितनी भी साड़ीज है वो बहुत ही बढ़िया है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक के लिए प्लीज देख लीजिए माई हॉल स्टोर। और जितने भी एक्सेसरीज मैंने पहने हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो और आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना गाइस। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, कमेंट में बताओ कि कौन सी साड़ी अच्छी लगी, अपना थोड़ा फीडबैक दो, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। और नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। माई फर्स्ट साड़ी दिस वेरी ब्यूटिफुल पर्पल कलर की साड़ी है, जिसपे पूरी साड़ी पे, ऑल ओवर साड़ी पे गोल्डन फॉयल प्रिंट्स का वर्क करा हुआ है। एंड इस साड़ी को मैंने स्टाइल करा है बेल्ट के साथ, क्योंकि इसका पल्ला थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने बेल्ट लगा के मैनेज करा है। ब्लाउज़ मैंने इंडिया ब्रांड से ही ली है। मैंने इसको सिर्फ एक चोकर पहना है, ईयरिंग्स और मांगटिका नहीं डाला है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेवी लुक नहीं बनाना चाहती थी। सो पूरे आपको साड़ी पे सेम प्रिंट्स मिलेगी गोल्डन कलर की। बेल्ट मैंने लगाया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज। सो 1 मिनट साड़ी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, 1 मिनट में आप ये साड़ी पहन लोगे। इस पर आपको साइज़ ऑप्शन मिलती है, लाइक जो भी स्कर्ट का आपका साइज़ हो, स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, जो भी आप पहनते हो वो साइज़ आपको चूज़ करना है। और एज अ स्कर्ट बस आपको साड़ी पहनना, साइड में एक जिप होती है, आपको सिर्फ जिप लगानी है। स्कर्ट की तरह पूरी साड़ी बनी रहती, देख सकते हैं आप, पूरी प्लीट्स, एकदम प्रॉपर प्लीट्स बनी हुई है, जैसे आप साड़ियों पे बनाते हो, बट जो हम प्रॉपर बनाते हैं उससे भी बेटर बनी हुई है। सिर्फ आपको ये पल्ला जो है वो बना हुआ नहीं रहता, किसी पे रहता, किसी पे नहीं रहता, सो इस पे पल्ला बना हुआ नहीं है। जॉर्जेट मटेरियल है, बहुत ही सुपर फाइन है, इनर लाइनिंग के साथ आती है। पेटीकोट पहनने का भी टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने किसी भी साड़ी पे पेटीकोट नहीं पहना है। मुझे ये कलर बहुत पसंद आई, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत स्मार्ट साड़ी है। हाँ, पल्ला थोड़ा सा लंबा हो रहा है जिसे आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैंने तो बेल्ट लगा के मैनेज कर लिया है, या आप चाहो तो नीचे से कट भी करा सकते हो। मेरा साइज मीडियम है। प्राइस आपको मैं स्क्रीन के साइड पे देते भी जा रही हूँ। I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. My second item is this very beautiful pink purplish color की साड़ी guys, and इस पर मेरा size medium है। बहुत soft material, georgette material है। India brand की material बहुत वैसे भी अच्छी होती है। inner lining भी आपको मिलेगी नीचे skirt पर। So ये इस पर मेरा size medium है। Again आप अपने according size choose कर सकते हो, जो भी आप इस अपने skirt का size पहनते हो। आपको as it is skirt की तरह मिलेगी, सिर्फ side में zip लगाना है, pleats बनी हुई रहती है और बस पल्ला लेना है। पहली साड़ी जो मैंने दिखाई थी उसका पल्ला काफ़ी लॉन्ग था, और इसकी जो ये जो साड़ी मैं दिखा रही हूँ उसका जो पल्ला है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल साड़ी पे आप जितना पल्ला निकालते हो उतना है। अब 1 मिनट साड़ी में क्या होता है कि प्लीट्स बनानी नहीं पड़ती, तो जितना पल्ला है वो आपको लेना ही पड़ता है, वो नीचे को आ जाती है, और जब नीचे आती है तो कोई ऑप्शन नहीं बचता, कटवाना पड़ता है। बट इस पर ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल साइज़ की है, परफेक्ट है, एंड पूरी प्लेन साड़ी है। आपको लेसेस लगी हुई है, उसके बाद रफल्स बनी हुई, रफल्स पे फॉल प्रिंट बनी हुई, एंड ऑल ओवर साड़ी पे रफल्स है। बहुत ब्यूटीफुल है। सेम ब्लाउज के साथ मैंने स्टाइल करा है, एंड जो भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ऑसम पीस है। प्राइस वगैरह स्क्रीन के साइड में मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ।
that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 4. My next saree is this very beautiful cream color ki saree, and इस पे all over साड़ी पे फॉल प्रिंट बनी है गोल्डन कलर के. जॉर्जेट मटेरियल है, बहुत ही कमाल का मटेरियल है गाइस, बहुत फ्लोई, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है. लेस आपको साड़ी पे मिलेगी, चारों तरफ चारों कोनों पे लगी हुई है. साइज मीडियम है मेरा, सेम ब्लाउज के साथ मैंने स्टाइल करा है इसे. इस पे मैंने लगा लिया है, और जो सेट पहना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एक ही ब्लाउज पे मैंने तीनों साड़ी आपको दिखाई है. सो कुछ इस तरीके से ये 1 मिनट साड़ी आती है स्कर्ट की तरह. साइड बस आपको जिप लगाना है, कुछ ऐसी प्लीट्स बनी हुई रहती है, और ये साइड पे आपको बस पल्ला मिलता है, जो पल्ला आपको लगाना होता है. प्लीट्स बनाओ या फिर खुला रखो, आप पे डिपेंड करता है. और इनर लाइनिंग के साथ है, तो पेटीकोट का भी टेंशन नहीं है. सो लास्ट टू साड़ीज़ में मैं आपको नहीं दिखा पाई थी कि इसका पैटर्न कैसा होता, बट एक में मैंने आपको दिखा दिया कि आपको आइडिया मिल जाए. बिल्कुल सेम एज इट इज़ पैटर्न ही है, बट ये जो इसका पल्ला है काफ़ी लॉन्ग है. इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपकी हाइट 5'4" से कम है तो ये साड़ी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि पल्ला बहुत लॉन्ग होगा. बट अगर आपको ये साड़ी पसंद आ रही है तो आपको पल्ला कटवाना पड़ेगा, तभी मैनेज हो सकता है. मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, बट मुझे बहुत लॉन्ग हो रही है, आप देख सकते हो, बिल्कुल फ्लोर टच हो रहा है, इसलिए मैं ये रिटर्न कर रही हूँ, ये नहीं रख रही हूँ. बट आपको पसंद है तो आप पल्ला कटवा सकते हैं, एंड मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये साड़ी कैसी लगी. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. सो माई नेक्स्ट साड़ी दिस वेरी ब्यूटिफुल नेवी ब्लू एंड पिंक कलर की साड़ी, जिसपे फ्लावर प्रिंट्स बनी हुई है. एंड ये साड़ी गाइज थोड़ी डिफरेंट है, ये आपको स्कर्ट साड़ी मिल रही है, इस पर प्लीट्स नहीं मिल रही है. सो स्कर्ट की तरह साइड जिप लगाना है, और फिर आपको सिंगल पल्ला मिल रहा है, लाइक सिंगल जैसे प्लाजो साड़ीज पे होते हैं, बहुत छोटा सा, उस तरीके से आपको पल्लू मिल रही है. 3 लेयर्स बने हुए हैं इस पे, रफल्स वाले बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं. साइज मेरा मीडियम है, एंड इस पे मैंने बेल्ट लगा के स्टाइल करा है, क्योंकि इसका जो स्कर्ट है वो थोड़ा मुझे शॉर्ट हो रहा था, लाइक लॉन्ग हाइट गर्ल्स के लिए नहीं है. 5'4" तक अगर आपकी हाइट है तो ही आप इसे बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये छोटी होगी. सो मैंने इस पे बेल्ट लगा लिया है. क्रॉप टॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वेलरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी. आप चाहो तो इसे सिंपल भी स्टाइल कर सकते हो, लाइक मैंने बहुत सारे ज्वेलरीज डाले हैं, आप विदाउट ज्वेलरीज भी पहन सकते हो, बट मुझे सिल्वर ज्वेलरीज बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से इंडो वेस्टर्न लुक बनाया है. आपको कैसी लगी आप कॉमेंट पर ज़रूर से बताना. इनर लाइनिंग के साथ है, बहुत ही ऑसम साड़ी है, मतलब 200% रिकमेंड करूँगी, इतनी ब्यूटीफुल है. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. माई नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम इज वेरी ब्यूटिफुल पिच पिंक कलर की साड़ी, जो गाइज कलर इसका बहुत ज़्यादा लाइट है, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है सेम कलर आपको रिसीव होगा. और ये स्कर्ट साड़ी है, ये प्लीट्स वाली साड़ी नहीं है. तो मैंने दोनों तरह की साड़ी इस हॉल पे ऐड करा है, कि जिनको जो भी कंफर्टेबल हो या जिनके जो स्टाइल के अकॉर्डिंग हो वो बाय कर सकते हैं. साइड पे आपको जिप मिल रही है, एंड एज अ स्कर्ट पहनना है, पल्लू अटैच है, लॉन्ग पल्लू है, लाइक इस पे मैंने प्लीट्स बनाया है, और आपको पल्लू पे रफल्स मिल रहे हैं जिसपे गोल्डन फॉल प्रिंट्स बनी हुई है. सो 3 लेयर्स वाली स्कर्ट है, इनर लाइनिंग के साथ है, आपको फर्स्ट लेयर प्लेन मिल रही है, 2 लेयर आपको प्रिंट्स गोल्डन प्रिंट्स के साथ मिल रहे हैं.
मैंने इसे स्टाइल करा है लॉन्ग ज्वेलरी के साथ जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। सेम ब्लाउज मैंने रखा है लाइट कलर की जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। साइज मीडियम है, कंफर्टेबल बहुत है और बहुत क्लासी साड़ी है। लाइक अगर आप कुछ इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक चाहते हो, प्रॉपर साड़ी वाली लुक नहीं चाहते हो तो इस साड़ी के साथ आप जा सकते हो। अदरवाइज मैंने और भी साड़ीज़ आपको दिखाई है जो आप बाय कर सकते हो जो प्रॉपर साड़ी वाली लुक दें। स्कर्ट वाली भी है, प्लीट्स वाली भी है, तो ये मुझे पसंद आई। लो बन रखा है मैंने, बहुत प्यारा लगा मुझे ये लुक। और आपको कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर से बताएं। जॉर्जेट मटेरियल है, बहुत सुपर फाइन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और सारे प्राइस आपको स्क्रीन के साइड पे मैं लगाते जा रही हूँ। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna. That's it for today's video. I hope India brand साड़ी हॉल आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, लाइक कर देना एंड कॉमेंट जरूर से करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।